अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 काइनामेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। बच्चों, काइनामेटिक्स आपने पढ़ा था कि काइनामेटिक्स का जो लिंक होता है वो मोशन के साथ होता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टार्ट में मोशन के बारे में पढ़ा, रेस्ट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि स्केलर कुछ क्वांटिटीज होती हैं, वो स्केलर्स होती हैं, कुछ वेक्टर्स होती हैं, फिर हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड पढ़ा। अब क्योंकि काइनामेटिक्स का मेन लिंक मोशन के साथ है और वो टर्म्स जिनका मोशन के साथ लिंक है, अब हम वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहली आपकी बुक में जो टर्म है वो है पोजीशन। बच्चों, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन जो होती है, पहले ये डेफिनेशन आप देखें, मैंने लिखी हुई है द टर्म पोजीशन। जो पोजीशन है डिस्क्राइब्स, बयान करती है द लोकेशन, लोकेशन को बयान करती है किस चीज़ की, ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट, किसी प्लेस या पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जिसको ओरिजिन कहा जाता है। बच्चों, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अपने स्कूल का, अपने स्कूल की पोजीशन बतानी है अपने घर के हिसाब से। लेट्स सपोज कि ये जो है, ये है आप लोगों का होम, घर। ठीक है, ये है बच्चों आप लोगों का स्कूल। अब आपसे पूछा जाता है कि अपने स्कूल की पोजीशन बताएं, मतलब आपका स्कूल जो है वो कहाँ पे वाकया है, इसकी पोजीशन बताएं। आप अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन किस तरीके से बताओगे? इस तरीके से। ये जो है इसको आपने रेफरेंस पॉइंट बना लिया, हवाला, फिक्स। आपने एक पॉइंट को फिक्स कर लिया, उसको रेफरेंस बनाया और उसके अकॉर्डिंग आपने बताया कि भाई आपके घर से इस तरफ आपका स्कूल लोकेट कर रहा है, मतलब आपके स्कूल की पोजीशन इधर है। तो द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन, लोकेशन के बारे में बताती है, ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड अ रीजन। मतलब ये जो हाउस था उसको आप लोगों ने अपना क्या लिया? रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजन भी कहा जाता है। बच्चों, समझ आ गई? इसका कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों ने, ना ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने फिर भी इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है एज इट इज़। ठीक है, और उसके साथ आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, आपने इसी तरीके से डायग्राम बना देनी है कि आपके होम से आपके स्कूल की पोजीशन शो हो रही है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो अब हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा बच्चों, ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का हम डिफरेंस प्रिपेयर करेंगे, जिसमें 5 डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट वन डेफिनेशन, फिर सिंबल, फिर फिजिकल क्वांटिटी, फिर फार्मूला, उसके बाद एसआई यूनिट। सबसे पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन देखो, लेंथ ऑफ अ पाथ, किसी रास्ते की लंबाई, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की जो लंबाई होती है, कुल लेंथ जो होती है, टोटल लेंथ जो होती है, वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। आप लोग बच्चों ए पॉइंट से बी की तरफ जाते हो, ए से बी की तरफ जाने का जो रास्ता है वो ये है। इस रास्ते की ये जो लेंथ होगी, ठीक है बच्चों, ये जो लेंथ होगी, ये जो लंबाई होगी, इस लंबाई को डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ अ पाथ, किसी रास्ते की लंबाई, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान किसी रास्ते की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस, फासला। ठीक है, ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अभी इतना ही रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी है क्या? डिस्टेंस ही, बट
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट कहते हैं मुख्तसर तरीन, शॉर्टेस्ट कहते हैं मुख्तसर तरीन। लेट सपोज ये था ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट, बल्कि नहीं आप यहाँ छोड़ें, इसी डायग्राम पे देखें, ये है ए, ये बी, ये क्या था टोटल डिस्टेंस था। बट बच्चों ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इधर से इधर जाने का जो कम तरीन रास्ता है, जिसकी एक खास डायरेक्शन है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन भी जिसके साथ आ जाती है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या था डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो रास्ते की कुल लंबाई थी, ये लेट्स सपोज 8 मीटर थी, मे बी ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या हो 5 मीटर। अच्छा बच्चों ये जो डिस्टेंस मैं कह रही हूँ कि 8 मीटर है, इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मैं कह रही हूँ कि फर्ज कर लेते हैं कि 5 मीटर है, इसकी ये मैग्नीट्यूड हो गई 5 मीटर, और ये जो एरो है मतलब ए से बी इस तरफ साथ डायरेक्शन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट में दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम ऐसा फासला होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, जबकि डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अच्छा बच्चों मैं कह रही हूँ कि डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर, कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर। आपने स्केलर्स में पढ़ा था स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड की। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में बच्चों आपने देखा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो इस वजह से इसको आप क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बच्चों एक बात आपने इसको एज इट इज़ नोट करना है और पेपर में इसी तरीके से लाइन लगा के 5 डिफरेंसेस लिखने हैं, लेकिन अगर खाली डिस्टेंस आ जाता है तो आपने खाली ये वाले 5 पॉइंट लिख देना है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो ये वाले लिख देते हैं, और डिफरेंस आएगा तो बिल्कुल इस तरह आपने नोट कर लेना है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, डेफिनेशन हमने कर ली, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, वो है सिंबल अलामत। बच्चों हर चीज़ को लिखने के लिए एक सिंबल यूज़ होता है, जैसा कि फोर्स के लिए एफ़ यूज़ होता है, टाइम के लिए टी यूज़ होता है, उस तरीके से डिस्टेंस को जाहिर करने के लिए एस यूज़ किया जाता है। क्या सिंबल है एस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस। अच्छा बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। अब इस डी के ऊपर एरो क्यों लगाया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको करवा दिया, लेकिन फिर भी रिवाइज करवाने के लिए इसके ऊपर एरो लगाने की वजह क्या है, क्योंकि ये एक वेक्टर है। आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के सिंबॉलिक मेथड में 3 मेथड्स पढ़े थे, एरो लगा दिया जाए, बोल्ड कर दिया जाए, या फिर वो लगा दिया जाए बार लाइन लगा दिया जाए। तो क्योंकि ये एक वेक्टर है, इस वजह से इसकी अलामत को या तो मोटा करके लिखना था, या ऊपर एरो लगाना है, या बार मैंने एरो लगा दिया। तो आपने याद रखना है डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। फिजिकल क्वांटिटी, ये कौन सी तबई मिकदार है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है ये वेक्टर है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट जो है वो इसके फार्मूला की तरफ हम मूव करते हैं। अभी आप लोगों ने इस फार्मूले को लगा लेना है रट्टा, ठीक है, याद कर लेना बिल्कुल इसी तरीके से। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये फार्मूला किस तरीके से। याद रखना एस जो है डिस्टेंस, ये बराबर होता है वी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वी का यहाँ मतलब है स्पीड, टी का यहाँ मतलब है टाइम, लेकिन ये क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। अच्छा ये जो डी डिस्प्लेसमेंट है ये किसके बराबर होता है वी मल्टीप्लाई बाय टी, लेकिन इसके ऊपर एरो है, याद रखना इधर वी जो है वो है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा बच्चों एस आई यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल, डिस्टेंस का जो यूनिट है वो होता है मीटर, और जिसको एम से जाहिर किया जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बताओ तो आप कहते हो 5 मीटर 10 मीटर एटसेट्रा, तो ये इसका यूनिट है। और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट भी मीटर ही होता है, ठीक है, लेकिन साथ डायरेक्शन बतानी पड़ती है। आप बताओगे 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ या कोई भी इस तरीके से आप डायरेक्शन बताओगे। अच्छा बच्चों इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस में क्या पॉइंट पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई डिस्टेंस कहलाती है।
फिर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी मकदार और सिमत होती है. फिर अलामत पढ़ी, डिस्टेंस को एस से जाहिर किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को डी से किया जाता है. फिर डिस्टेंस एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है. इसका फार्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, उसका वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और दोनों का एस से यूनिट मीटर होता है. अच्छा बच्चों, पेपर के लिए जो आपने याद करना है वो तो आपने इतना ही करना है, लेकिन कुछ अब कॉन्सेप्ट हैं जो एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या और वैसे आपको पता होना चाहिए, वो अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ. अच्छा बच्चों, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी जो है वो एक सर्कल में मूव कर रही है. वो सर्कल ये है. नहीं, सपोज ये एक पॉइंट है ए, बॉडी इस तरह मूव करती है. ठीक है बच्चों, ये ए पॉइंट पे थी और फिर एंड पे आकर वापस ए पॉइंट पे ही आ गई. ए जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, वो पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट कर रही है, और ए जो है वो उसका एंडिंग पॉइंट भी है जहाँ पे वो बॉडी आकर रुक रही है. अच्छा बच्चे, ये बुक में नहीं है, ये वैसे कॉन्सेप्ट के लिए आपने दिमाग में रखना है. अच्छा बच्चों, ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव करती हुई आई, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, ये जो टोटल लेंथ होगी, ठीक है, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस. सर्कल में आपने ज्योमेट्री का पढ़ा होगा, सर्कमफेरेंस. इसकी लेंथ निकालने का फार्मूला होता है 2πr. 2π की वैल्यू 22/7 रेडियस, जो यहाँ से लेकर सेंट्रल पॉइंट से लेकर यहाँ तक होते हैं. ठीक है, तो ये जो इसकी टोटल लेंथ होगी, ये क्या होगा? डिस्टेंस. लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बच्चों याद रखना जीरो होगा. क्यों? बॉडी का स्टार्ट पॉइंट भी यही था, एंडिंग पॉइंट भी ये है. और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि बॉडी के दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट भी ये है, एंडिंग पॉइंट भी ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा. अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे.